मुझे मतलब शरीर में ऐसी थकान सी महसूस होती थी, काम में मन नहीं लगता था, कोई भी काम मतलब जबरदस्ती का आलसीपन नहीं मैं करती थी, मतलब काम थकाने की जैसा काम करती थी। जिससे पहले थकान रहा करती थी, चक्कर आना, बैठकर खड़े हो रहे हैं तो एकदम आंखों के आगे अंधेरा आ जाना, भूख कम लगना, काम करते करते जल्दी थक जाना। तो इस जो शरीर अपना है, अपना साथ नहीं देता अपना शरीर, थोड़ा सा कमजोरी सी होना, एकदम खड़ा होते अपन को चक्कर से आना, ऐसा महसूस होता है अपने शरीर से। पानी ना टंकी हमारे पास में, वहाँ से पानी भर के नहीं ला सकती थी, पानी भर के लाती तो थक जाती थी, सिर दुखता, इसको पाँव में सूजन आता, चक्कर आते, बहुत प्रॉब्लम थी इसको। तो महिलाओं में स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी जानकारी का अभाव है, उन्हें इस चीज के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है कि एनीमिया क्या होता है। जब NFHS-5 का डेटा रिलीज हुआ, जिसमें हमें पता चला कि भारत देश में और मध्य प्रदेश राज्य में हर दूसरी महिला एनीमिया से पीड़ित है। हम लोग ऑलरेडी रूरल एरियाज में वर्क कर रहे हैं, हमारे फील्ड में ऐसी महिला हैं जो ज़्यादातर हेल्थ इश्यूज फेस कर रही हैं। उज्जैन और रतलाम जैसे जिले ऐसे हैं कि जहाँ पे महिलाओं की संख्या और ज़्यादा है। तो ऑब्जर्व करने के बाद तो थोड़ा फील आया कि ये हमें अपने CSR टीम के साथ डिस्कस करना चाहिए कि आगे चल के हम इनके लिए क्या बेहतर कर सकते हैं। तो हमारा मेनली फोकस उसके ऊपर है कि हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को कैसे प्रिवेंट करें। ब्लड काउंट होता है, उसके अंदर कुछ पैरामीटर्स होते हैं, MCH वगैरह, उसके अंदर ये सब डाउन फ्लोर पे जाते हैं, उसके अंदर HG लेवल काफ़ी डाउन चला जाता है उसमें। मतलब ऐसे स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत ऐसा नॉलेज था, पर इतना ज़्यादा नहीं था कि इतनी कमी हो जाएगी। एनीमिया मतलब जैसे नाम की बीमारी भी होती है, तो उससे मतलब इतना लगा नहीं था हमको कि ऐसा मतलब घातक हमारे पास हो सकता है। हर दूसरी महिला जो न्यूट्रिशनल एनीमिक है, तो वो ऐसा एनीमिया है कि जिसको हम डाइट और IFA सप्लीमेंट से क्योर कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे द्वारा बेसलाइन सर्वे किया गया, जिसके अंतर्गत हमारी टीम ने घर घर जाकर जो 13 साल से लगा के 40 साल तक की किशोरी बालिकाएं, गर्भवती महिलाएं, धात्री महिलाएं और सामान्य महिलाएं थी। शुरू किया काम, एक बेसिक बेसलाइन सर्वे किया, एनीमिया टेस्ट कराया, बहुत कम एनीमिया जिनका था 6 से भी कम था, उनको तुरंत आयरन सुक्रोज वगैरह जो करता है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए रेफर किया उनको। जो महिलाएं जिनका 8 से लगा के 12 ग्राम 11.9 के बीच में हीमोग्लोबिन था, उनको हमने IFA आयरन फॉलिक एसिड की हम लोगों ने गोली दी। तो सब बोले बोले हो ये तो आते रहते हैं ना, बोलते रहते हैं, इसमें ध्यान नहीं दिया हमने। तो वो है ना, वो गोली निकाल के फेंक देती थी और वो खाली पत्ता हमें दिखा देती थी कि हम खाते हैं। फिर जब उनको आयरन से जब फायदे होने लगे, तो जब एक दूसरे से इंफॉर्मेशन मिलने लगी, तब फिर उन लोगों का भरोसा आया और फिर ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं जुड़ी। फिर उन्होंने बोला कि अगर विश्वास करो मैं, अगर आप कुछ भी, मैं उसे थोड़ा बहुत भी कुछ समझते हो, परिवार वाला समझते हो, तो अभी गोलियाँ लेना से स्टार्ट करो। फिर हमने ली, मतलब 4-5 जनी औरतों ने हमने ली, तो हमको लगा और खून भी बढ़ा हमारा। गाँव के अंदर जो पेशेंट्स होते हैं, उनकी डाइट प्रॉपर नहीं होती है, वो अपनी सेहत पे प्रॉपर ध्यान नहीं रख पाते हैं, उनका खान पीन ऐसा ही होता है, वो टाइम पर प्रॉपर तरीके से ले नहीं पाते खाना भी। कमज़ोर तो रहती हैं, समय से पर खाना नहीं खाती है, काम में ज़्यादा व्यस्त रहती हैं। कैसे रहना है, किस स्तर का खाना खाना है, बस ये काम में और खाने में ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। सबसे पहला ये है कि उनको उनके हेल्थ को लेकर जागरूक करना है, और जागरूक करने में सबसे बड़ी चीज़ है कि वो खाते क्या है। 5, 7, 8, 10 महिलाओं को एक मोहल्ले में इकट्ठा करके एक ग्रुप मीटिंग की जाती थी। ग्रुप मीटिंग में हम महिलाओं को स्वास्थ्य के बारे में संपूर्ण जानकारी देते थे, हम उन्हें एक तिरंगा थाली के माध्यम से बताते थे, केसरिया रंग जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के अनाज आते थे, सफेद रंग जिसमें दूध और दूध से बने सभी पदार्थ आते हैं, हरा रंग जिसमें हरे पत्तेदार सब्जियां आती थी। ऐसी रेसिपी जो आसानी से जल्दी बन जाए, उनको टाइम भी नहीं लगे और घर में ही सारी चीज़ें उनको मतलब सुविधा अनुसार उपलब्ध हो जाए, जो किचन में ही हो, जैसे चुकंदर होता है सर सब्जियों में और गांव में है खेती में भी होता है, तो वो आराम से पराठा बना सकती है सर। पिंड खजूर के लड्डू जब हमने बनाना महिलाओं को सिखाए, तो उसका एक ऐसा प्रभाव पड़ा कि हमारे कुछ गांव में जो दुकानदार हैं, उन घरों की महिलाओं ने, उन बच्चियों ने उन लड्डू को बनाना सीखा और बनाने के बाद में उन्होंने एक बॉक्स में पैक करके अपनी दुकान पर रखा, इस कॉन्सेप्ट से कि लोग आएंगे और इस चीज को देखकर खरीदेंगे। अंकुरित दाने हैं जो वो भी इनके घरों में मिलते हैं, जो चने मिल जाते हैं सर, मूंगफली के दाने मिल जाते हैं, सोयाबीन के वो भी मिल जाते हैं, ये घर पे ही अंकुरित कर सकती है और आराम से उपयोग में ले सकती है। लोहे की कढ़ाई में मैंने खाना बनाया है, सब्जी बनाई है,
और उससे लोह तत्व की मात्रा मिलती है, फिर शरीर में खून की मात्रा बढ़ती है। हम गर्भवती महिलाओं को भी बहुत अलग अलग तरीके से समझाते थे। हम उसमें बताते थे कि आपके स्वस्थ होने में, आपकी गर्भावस्था के समय में आपके परिवार का ध्यान रखना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। हाँ, बच्चा भी कमजोर हो सकता है मैम, मिसकैरेज होने का भी खतरा रहता है शरीर में, और बच्चे के साथ माँ की जान भी जा सकती है। पहले मैं यानी दो बार मेरा साथ बेबी हुए हैं, लेकिन तब मैं बहुत वीकनेस फील करती थी। आयरन की गोलियां भी दी थी जिससे जो खून की कमी थी वो ख़त्म हो गई है, और अब मेरा बेबी भी स्वस्थ है। ब्रेन डेवलपमेंट के लिए आयरन की बहुत ज़रूरत होती है, और जब गर्भावस्था में गर्भवती महिला में आयरन की कमी पाई जाएगी तो वो जो आने वाला बच्चा है उसके भी ब्रेन डेवलपमेंट पर असर होगा, और उसके साथ उसका आगे जो IQ है और जो प्रोडक्टिविटी उसके ऊपर असर होता है। समुदाय स्तर पर हम लोगों के द्वारा जागरूकता फैलाने के अनेकों अनेक कार्यक्रम किए गए, तो उसके लिए हमारे द्वारा नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। उसके बाद में हम लोगों ने गांव में वॉल पेंटिंग का निर्माण करवाया। गांव के जो प्रमुख चौराहे होते हैं, जो प्रमुख गलियां हैं, आंगनवाड़ी है, PSC CSC सेंटर है, जहाँ पर गाँव के लोगों का आना जाना ज्यादा होता है, सांप सीढ़ी में हम लोगों ने एक पूरी सांप सीढ़ी का निर्माण किया गया था, जिसमें पूरी सांप सीढ़ी जैसी ही थी, लेकिन उसमें ऐसे क्वार्ट्स थे कि आप किन चीज़ों का सेवन करोगे तो आप सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाओगे, और किन गलत आदतों को अगर आपने अपनाया तो आपको सांप काट लेगा और आप नीचे आओगे। जो खाने पीने की आदतों में उसमें सुधार आया है, और बेसिकली एनीमिया को जो है हम अपनी डाइटरी हैबिट में ही चेंज करके एनीमिया में कंट्रोल पा सकते हैं। तो ये हमारा जो मिशन है उसको सफलता देने में जब हमारे साथ HDB फाइनेंशियल सर्विस भी जुड़ी, तो हमको एक अपॉर्चुनिटी मिली कि हम मार्जिनलाइज कम्युनिटी में जाके काम करें और उनको एम्पावर करें हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के लिए। जनरली सभी कंपनीज जो हैं अपने प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, बट किसी भी व्यक्ति का एक हित कर दो तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है, उससे ज़्यादा खुशी अपने को नहीं मिलती। मैं इस कार्यक्रम से इतनी खुश हूँ कि मेरे गांव में बहुत सारा बदलाव आया है, और इस संस्था से मुझे बहुत कुछ सीखना भी मिला है। मैं तो बहुत धन्यवाद देती हूँ चेतना संस्था वाले को कि आज आपकी वजह से मैं लड़की खड़ी है, नहीं तो हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि क्या करें, आज ये टाइम है, कल करते शादी करें क्या होएगा। पहले मेरे बच्चे कमज़ोर रहते थे, बहुत कमज़ोर होते थे, लेकिन इस बार मेरा बेबी भी अच्छा है और मैं भी अच्छी हूँ। चेतना संस्था और HDB फाइनेंशियल सर्विसेज का धन्यवाद देना चाहती हूँ। मतलब हमने इन्होंने हमारा ख्याल रखा ना, हमारे बच्चे का भी ख्याल रखा, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे तरफ से। और पहले मतलब जैसे थकान जैसी होती थी तो वो तो कमी महसूस नहीं होती है, अब हमारे यहाँ खेती बाड़ी का काम है तो मतलब जैसे ये टब वगैरह तोकना पड़ता है सोयाबीन के गेहूँ के, तो पहले मतलब तोकने की इच्छा नहीं होती थी, अब मैं तोक भी लेती। जो रतलाम जिले में WCD और चेतना और HDB फाइनेंशियल सर्विसेज ने जो मिल के जो काम किया है, उसका जो रिपोर्ट हमने देखी है वो बहुत इफेक्टिव चेंज है। आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर, हमने उनको इतनी एक्टिव और कैपेसिटी बिल्ड कर दिया है कि ये जो हमने एनीमिया अवेयरनेस की मुहिम ली है तो वो आगे वो लोग कंटिन्यू रखेंगे। और आई थिंक कि अगर इस तरीके के अलायंसेस कंटिन्यू हों तो शायद इसमें कम्युनिटी में एक बेहतर मैसेज भी जाएगा, कम्युनिटी खुद इम्प्रूव होगी, साथ ही साथ उसका जो इंड्यूस्ड इफेक्ट होता है दूसरे इलाकों में वो बहुत इफेक्टिव तरीके से जाएगा। जिन लोगों तक हम नहीं पहुंच पाए हैं, शायद जिन लोगों तक हम पहुंचते थे वो लोग उन लोगों को पहुंच के उनको राय दे सकते हैं, बता सकते हैं क्या है क्या नहीं सारी चीज़ें, तो शायद हमारा बहुत बेहतर फ्यूचर जो है वो महिलाओं का सुरक्षित।